विजयते गोपाल चूडामणी पुष्टांगरी किशोरी पहले आप सबको धन्यवाद कि आप आए और मेरा हौसला मेरी हौसला अफजाई की। आज हम हमारा प्रोडक्शन हाउस एपिफनी एंटरटेनमेंट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके दोनों ये पार्टनर्स हैं, तनया जी, तनया प्रभु और ये तेज अडारकर। इंसिडेंटली ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं। ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा। आपने देखा होगा मुझे यहाँ वहाँ कहीं इधर उधर। तो आज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ और चाहती हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप सबके सामने लाऊं जिससे हम समाज में कुछ बदलाव ला सकें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फिल्म्स या विजुअल जो है वो इतना बड़ा माध्यम है, यानी इतनी बड़ी बड़ा इम्पैक्ट वो सोसाइटी या माइंड्स में कर सकता है। यू नो, अभी आप देखते हैं हमें, हम बच्चों को मोंटेसरी से पढ़ाने में भी वी आर यूजिंग द ऑडियो विजुअल टेक्निक। और आप अभी देख रहे होंगे कि कुछ मूवीज़ ऐसी आ रही हैं कि जिसकी जो मूवीज़ हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी, आई विल से, यानी फिल्म्स में वो ताकत है कि वो लोगों की सोच बदल सकती हैं, लोगों के सामने सच्चाई ला सकती हैं जो सबको पता नहीं हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है आज के युग में। हम सभी जानते हैं, हम अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों ने इसी माध्यम से दुनिया देखी हमेशा। तो इसलिए मैं प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ कि इसके माध्यम से मैं कुछ अच्छा, कुछ सच सबके सामने लाऊं। एपिफनी जो शब्द है, इट मींस कि आपको कुछ एक बहुत गहरा, यू नो, यू हैव सम रियलाइजेशन, कि जो कहते हैं यूरेका मोमेंट, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो अब मॉम अराउंड 30 इयर्स से इस फील्ड में है। उन्होंने शुरुआत थिएटर से की, दिल्ली में, बॉम्बे आए, फिर यू नो स्लोली शी वर्क अप टू दैट। सो माई सिस्टर जो हैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम किया, लास्ट शी वॉज विद न्यूज़ एक्स। तो मेरा लॉ का बैकग्राउंड है और बिजनेस का भी बैकग्राउंड है। तो फॉर अस, ऑल ऑफ अस इन आर करियर, इट वॉज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, जो कहते हैं द मोमेंट ऑफ एपिफनी, कि आपको कुछ रियलाइज होता है कि अब हम क्या करें, अब जो हमारी फील्ड में है हमने कमा लिया, इसके आगे हमारा क्या ग्रोथ होगा। सो फॉर ऑल ऑफ अस इट वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग, फॉर मॉम इट वॉज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग, द मोमेंट ऑफ एपिफनी, सो टू स्पीक। सो उस हिसाब से एपिफनी एंटरटेनमेंट हमने नाम रखा, बिकॉज वो हमारे लिए इट वॉज सच अ डीप मोमेंट, यू नो, येस दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू। जो हमारा कन्विक्शन था, दैट हैड टू रिफ्लेक्ट इन वॉट वी आर गोइंग टू डू। तो उस हिसाब से हमने नाम भी रखा, उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं आगे, एंड दैट्स हाउ इट इज़। द आइडिया इज टू ब्रिंग आउट सच स्टोरीज, ऐसा कॉन्टेंट जो, यू नो, जो हमें वॉट वी फील बिहाइंड इट, एपिफनी, रियलाइजेशन, कन्विक्शन, दैट, ऐसी स्टोरीज, ऐसा काम, ऐसा लेके आ गया, दैट्स हाउ इट इज। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड भी आप जैसे जर्नलिस्ट ही रहा है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और तभी हम काफ़ी स्टोरीज देखते हैं, यू नो, जो हम कवर करते हैं, एंड ऐसे लगता है कि अरे ये पूरी कहानी हम वो दो मिनट में नहीं बता सकते टीवी पे, या वो एक पेज में पूरी कहानी नहीं आती है, यू नो। सो देर आर मैनी अनटोल्ड स्टोरीज जो मुझे लगी कि मुझे बतानी है, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। या हम कभी कुछ कवर करते हैं और छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं, अगर रास्ते पे कोई जाते जाते आप कुछ देख लेते हैं, यू नो, अगर आप उसके पीछे जाके देखेंगे रीज़न, तो यू विल कम टू नो, अरे ये तो बड़ी कहानी है, ये भी एक कहानी है, यू नो। तो हर नुक्कड़, हर कॉर्नर में एक कहानी है, मगर हम सिर्फ वही एक, यू नो, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो हमें दिखाई देती है बड़े पर्दे पर, सिर्फ वही देखते हैं। पर आज कॉन्टेंट इज़ द किंग। आज कोई एक स्टार नहीं रहा है। आज अगर अच्छी स्टोरी है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो हर स्टोरी, यू नो, अपने आप सेल हो जाती है, स्टोरी स्टार हो जाती है। तो
तो ये एक सही वक्त है और हमें लगा कि यही एक टाइम है कि हमें अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहिए जिसके माध्यम से हम वो अनटोल्ड स्टोरीज को जान दे सकें। एपिफेनी एंटरटेनमेंट के कर्ता धर्ता ये दोनों भाई बहन तेज और सनाया और हमारी भारतीय जनता पार्टी मुंबई के इंडस्ट्री प्रकोष्ठ की हमारे फिल्म और टीवी विभाग की कर्ता धर्ता उनकी मातोश्री के आज के इस कार्यक्रम में यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसे जो स्मरण हैं हमारे जीवन में 2005 में कुछ ऐसे हैं, कुछ 2008 के हैं, उसी में का आज का जो ऐसा जो प्रसंग मुझे लग रहा है कि ऐसा ही आनंदित का कहीं भविष्य में साल दो साल के बाद एक साल के बाद चार छः महीने के बाद जब भी कहीं कहना होगा तो मैं एकदम गर्व से कहूँगा कि यहाँ वाले कार्यक्रम में इतना मुझे आनंद हुआ। बहुत बहुत ही बढ़िया था। जी को तो कीर्ति जी को तो मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, वो बेहतरीन एक्ट्रेस तो है ही है, प्लस प्रोडक्शन डायरेक्टर, हर एक चीज़ में वो माहिर है, हर एक चीज़ में वो आगे है। और मैं शुभेच्छा दूं कि इनके प्रोडक्शन के माध्यम से काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ सीरियल्स और मूवी बनती रहे और जनता के लिए एक मिसाल के रूप में जैसे कश्मीर फाइल है ये टाइप की अच्छी अच्छी फिल्में ये रेगुलर बनाते रहे, ऐसे शुभेच्छा। और सर कंग्रेचुलेशंस मैम इस न्यू स्टार्टअप के लिए एंड होप इट वर्क्स आउट ग्रेट। एंड जैसे कि नाम है एपिफेनी, मतलब होता है मैनिफेस्टिंग या फिर कुछ चीज़ को दिखाना, शो करना, तो मैं बस यही होप करूँगा कि आप नए प्रोजेक्ट्स लाएँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएँ, हम वेट करते रहेंगे एंड जस्ट विशिंग यू लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए तो मैं कीर्ति जी को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। कीर्ति जी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये ऑफिस खोली और वो हमेशा सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल रहेंगे और मेरी दिल से शुभकामनाएं उनको, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कीर्ति जी को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और शी इज़ ए वंडरफुल वुमेन। देखिए उन्होंने अकेले अपने दम पर अपने आप को प्रूव किया है एज एन एक्ट्रेस और अब उन्होंने एपिफेनी एंटरटेनमेंट के नाम से जो ये प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और इसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहती हैं। सो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।